नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनएन उत्तराखंड न्यूज और मैं हूं आपके साथ विकास रतूड़ी। आज टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय सुरकंडा देवी मंदिर में मां के दर्शन के लिए पहुंचे थे। विधायक मां के दरबार में रोपवे का आनंद लेते हुए पहुंचे थे, लेकिन वापसी करते वक्त अचानक रोपवे बीच में ही बंद पड़ गया, जिससे रोपवे में बैठे लोगों में भय का माहौल बन गया। करीब 30 मिनट बाद रोपवे को पुनः शुरू कर दिया गया। बताया जा रहा है कि रोपवे में लगी जो वायर होती है वो अपनी जगह से हट गई थी, जिससे रोपवे बंद पड़ गया था। हालांकि कुछ देर बाद उसको ठीक कर दिया गया। 30 मिनट से हम अधर में हैं, हवा में हैं, ट्रॉली में हैं, और थोड़ा सा ये आगे बढ़ी और फिर ये जो है फिर फंस गई है यहाँ पर। और मैं सबसे जो इस समय उसमें है, अगर सबका नेटवर्क चल रहा है, जो लोग इस समय ट्रॉली में फंसे हुए हैं, मैं उनसे निवेदन ये करना चाहता हूँ कि वो पैनिक ना हो, इसका रास्ता निकाल लिया जाएगा। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वो तुरंत इसका संज्ञान ले, और नहीं तो जो है जो SDRF इनसे बात करके, ट्रॉली संचालकों से बात करके, नहीं तो SDRF की व्यवस्था करे, जिससे बीच में ट्रॉली रुक गई और लगभग 40-50 लोग जितने भी लोग रहे होंगे, मेरे विचार से इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। हम किसी की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकते हैं, और इसका मेरे ख्याल से थोड़ा सा मैं बात करूंगा ये पर्यटन सचिव वगैरह से भी, जो लोग इसको देख रहे हैं और जो ये चला रहे हैं। चलो हम तो ठीक हैं सब लोग, लेकिन मान लीजिए कोई किसी तरह का कोई हार्ट पेशेंट हो, या मान लीजिए किसी में जो है ब्लड प्रेशर का मरीज हो, दूसरी चीज़ का हो, तो फिर हो जाएगा भाई इस तरह से हम फंस गए हैं। तो ये मेरे लिए बड़ा, पता नहीं क्यों इस तरह से माँ सुरकंडा सुरी क्या चाहती है। शुरू में भी जब ये शुरू हुआ था तो शायद कुछ इसमें ग्लिचेस कुछ आए थे, और आज जब मैं इसमें आया तो ये बहुत ही चिंता का विषय। हम लोगों की ज़िंदगी को खतरे में नहीं डाल सकते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन को और जो भी इसका संचालन कर रहे हैं इसको गंभीरता से लेना चाहिए इस बात को जो है। और जब तक पूरी तरह से ये ठीक नहीं हो जाता है, ये बताएं कि इस तरह की समस्याएं क्यों आ रही हैं। मैंने तो सिंगापुर में देखा, बाहर भी देखे हैं, अच्छी अच्छी मैंने जो रोपवेज हैं और बहुत फास्ट, फिर बहुत फास्ट जो चलती हैं, उसमें कभी इस तरह की स्थिति पैदा नहीं हुई है। ये अच्छी बात थी, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा था जब हम यहाँ पर आए थे मुख्यमंत्री जी, और फिर ये दोबारा रुक गई है। तो कहीं ना कहीं कोई गंभीर समस्या भविष्य में ना हो, कोई हताहत ना हो, किसी की जिंदगी खतरे में ना पड़े, इसका मेरे ख्याल से एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकार को और जो ये रोपवे संचालक हैं, इसको सुनिश्चित करना चाहिए।